राजस्थान के टॉप 5 हॉन्टेड स्थलों में से हमने 3 हॉन्टेड स्थलों पर तो वीडियो बना दिया है, आज हम चौथे हॉन्टेड स्थल की बात करेंगे जो है राणा कुंभा महल, जो स्थित है चित्तौड़गढ़ जिले में। ये जो महल है ये भूतिया और रहस्यमय वारदातों के लिए प्रसिद्ध है। इस महल के पीछे छुपी रहस्य और भूतिया कहानियों को हम देखेंगे, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस महल का निर्माण बप्पा रावल ने 734 एडी में करवाया था। बाद में इसे राणा कुंभा द्वारा रिकंस्ट्रक्ट करवाया गया। इसे इस क्षेत्र के सबसे बड़े और सुंदर महलों में से एक के रूप में जाना जाता है। इसकी भव्य शैली और सुंदरता ने इसे एक आकर्षक स्थान बना दिया है। इस महल के चारों ओर बसी कई भूतिया कहानी है जो इसे रहस्यमय और आत्मा छूने वाला स्थान बनाता है। लोगों का कहना है कि रात्रि के समय यहाँ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और यहाँ अज्ञात साये भी दिखाई देते हैं। हम इस रहस्यमय कमरों के बूंद बूंद रहस्यों की खोज करेंगे। कहते हैं कि यहाँ कुछ कमरे ऐसे हैं जिनमें रहस्यमय घटनाएं होती हैं, जिन्हें कभी भी खोलने का प्रयास नहीं किया जाता। तो चलो अब हम जानते हैं कि इस महल के भूतिया होने का क्या राज है। बात है सन 1303 की, जब चित्तौड़गढ़ के इस महल में रानी पद्मावती रहा करती थी। यह वही पद्मावती है जिस पर पद्मावत नामक मूवी बनी है। पद्मावती इतनी सुंदर थी कि उस पर कोई भी बड़े से बड़ा राजा मोहित हो जाता था। कहा जाता है कि राघव चेतन ने रची थी साजिश। राघव चेतन चित्तौड़ की राज्यसभा में एक कलाकार था जो जादू भी जानता था। उसने अपने स्वार्थ के लिए कई लोगों को मारा था। एक बार राजा रतन सिंह ने महल में गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त राघव चेतन को पाकर उसे फौरन ही अपने महल से निष्कासित कर दिया। राघव चेतन को राज्य से निकालने के बाद उसने अलाउद्दीन खिलजी का नेतृत्व किया। राघव चेतन के दिल में बदले की भावना थी। वो कपड़े पर रानी पद्मावती का चित्र बनाया, फिर उस चित्र को अलाउद्दीन खिलजी के सामने पेश किया। खिलजी ने उस चित्र को ध्यान से देखा। वो चित्र खिलजी को आकर्षित लगा और राघव चेतन से कहा कि ये सुंदरी कौन है। वो बोला, ये चित्तौड़ की रानी महारानी पद्मिनी है। खिलजी रानी पद्मिनी को उसी वक्त पाना चाहता था और साथ में वहाँ का किला और संपत्ति भी। खिलजी अब पूरी तरह से तैयार हो गया था कब्जा करने के लिए। वह चित्तौड़ के लिए रवाना हो गया। वहाँ पहुँचते ही खिलजी ने अपने सातिर दिमाग से एक चाल चली और रतन सिंह के सामने एक मांग रखी। वो सिर्फ रानी पद्मिनी की परछाई को देखना चाहता था, फिर मैं चला जाऊंगा। रतन सिंह ने इस मांग को पद्मिनी के सामने रखा और युद्ध न हो इसलिए रानी पद्मिनी ने खिलजी के इस प्रस्ताव को मान लिया। पद्मिनी रतन सिंह की बात तो मान गई, लेकिन वह खिलजी के सामने नहीं आना चाहती थी। लिहाजा दर्पण का इस तरह प्रबंध किया गया कि खिलजी रानी की छाया ही उसमें देख सके। कहा जाता है कि रानी की एक झलक देखकर अलाउद्दीन खिलजी रानी पर मोहित हो गया। उसने मन ही मन में तय कर लिया था वो रानी पद्मावती को लिए बिना दिल्ली नहीं लौटेगा। खिलजी ने युद्ध का आरंभ किया। खिलजी और रतन सिंह के बीच थमासान युद्ध चला। युद्ध थमने के साथ साथ रतन सिंह भी शहीद हो चुके थे। रतन सिंह के मरने की सूचना महल तक पहुंची। उसी समय महारानी पद्मावती के कहने पर महल की सभी रानियां एवं अन्य सैनिक की पत्नियां किले के गुप्त मार्ग से जौहर स्थल का सफर किया। जौहर उनके सामने था। सबसे पहले रानी पद्मावती ने जौहर में छलांग लगाई, फिर सारी रानियों ने, फिर सैनिक की पत्नियों ने भी छलांग लगाई। राजपूताना महिलाएं और रानी पद्मिनी के जौहर के बाद कुंड में रानियों के विलाप और चिल्लाहट की आवाज इतनी तेज थी कि फौरन ही खिलजी ने इसे बंद करने का निर्देश जारी कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी को वहाँ राख के अलावा कुछ नहीं मिला। फिर खिलजी दिल्ली लौट गया। इसी के कारण इस महल में भूतिया घटनाएं होती हैं। कहा जाता है कि जौहर कुंड में कुल 16,000 राजपूत महिलाओं ने छलांग लगाई थी। उन सभी की आत्माएं इस महल में वर्षों तक भटक रही हैं, जिन्हें अभी तक शांति नहीं मिली। इस महल में एक साथ महिलाओं के रोने की, चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। यहाँ की दीवारों में भी आज भी जौहर कुंड की आग की गर्माहट महसूस की जा सकती है। जब भी जौहर कुंड के पास कोई भी जाने की कोशिश करता है तो उन्हें अपातिजनक एहसास का सामना करना पड़ता है। ये थी राणा कुंभा महल की भूतिया कहानी। राणा कुंभा महल न सिर्फ केवल एक ऐतिहासिक स्थल है, बल्कि इसकी भूतिया कहानियों और रहस्यमय माहौल ने इसे एक अद्वितीय स्थान बना दिया है। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारी और भी वीडियो का अनुसरण कर सकें। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।